Assalamu alaikum dear students, I welcome you all and I also hope that you're all doing fine. Today we are just going to have a change of taste, huh? आज हम क्या करने वाले हैं, मिस्टर चिप्स का जो नॉवल है हम उसे आज स्टार्ट कर रहे हैं. और इससे पहले हम बुक टू पर ही थे. बुक टू में हमने अपने जो है एसेज को पढ़ा. बेसिकली फर्स्ट पार्ट में से हमने 5 एसेज को पढ़ा, ठीक है. पार्ट टू जिसको हम हीरोज़ के नाम से कहते हैं, जानते हैं, उसमें हमने 3 हीरोज़ को डिस्कस किया. और आपके इस लास्ट लेक्चर में इस वीक के हम इंट्रोडक्शन लेंगे मिस्टर चिप्स का, डिटेल्ड इंट्रोडक्शन, ठीक है. बिकॉज इट इज़ आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. नॉवल है, नॉवल अपनी मेक में थोड़ा डिफिकल्ट होता है ग्रास्प करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में. सिर्फ इस लेवल तक ना समझे, मास्टर्स लेवल तक भी इस चीज़ को हम देखते हैं कि बच्चों को उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना रहता है, ठीक है. तो डिटेल्ड हम इसका पहले इंट्रोडक्शन लेंगे, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी उस तरह से एक्सरसाइजेस नहीं हैं कि आखिर में यानी हम जाके उनको पढ़ लें. हर एक्सरसाइज में जैसे आपने पहले देखा है बुक टू में कि कम अज़ कम 8 से 10 सवालात वहाँ मौजूद होते हैं. इस पूरी बुक के अख्ताम पर जो है वो 10-15 सवालात हैं जिनको लिखा गया, जो कि सफिशेंट उस लिहाज से नहीं है हमारे इम्तिहानी निज़ाम के लिहाज से, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि हमें चैप्टर को हम जब पढ़ेंगे तो चैप्टर में से ही हमें इसके क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है. और वो जहाँ जहाँ आती जाएंगी चीज़ें इंशाल्लाह वो भी मैं आपको साथ साथ गाइड करता जाऊँगा. आज का ये लेक्चर ख़ासतौर पर इंट्रोडक्शन का है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा. कहीं चीज़ समझना है इसको रिवाइंड करके फिर समझ लीजिएगा. अगर उसके बाद भी कोई इशू रहे तो अपने मैसेज के ज़रिए भी आप मुझसे इसको क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि वो डिफ़िकल्टी लेवल मैंने आपको पहले बता दिया जो कि स्टूडेंट्स को टाइम एंड अगेन उसका उनको फेस करना पड़ता है, ठीक है. इंस्पिरेशन पहले हम लेंगे. इससे पहले आपको मैं बता दूं कि मिस्टर चिप्स का जो नॉवल है 18 चैप्टर्स हैं इसके टोटल, और कुछ कहते हैं 2 दिन में लिखा गया, कुछ कहते हैं 4 दिन में इसको कंपोज कर लिया गया, ठीक है. इस तरह की बातें हैं. ऑफकोर्स एज अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अपने पास रख लें. इस लिहाज से नहीं डिस्कस किया जाता पेपर के एग्ज़ाम में कि इसको कितने दिन में कवर किया गया, लेकिन ये है कि बड़ा ही शानदार बेस्ट सेलिंग ये नावल अपने टाइम का बन गया. इनफैक्ट नावल हम कह रहे हैं, ये नावला है. नावल की अगर जब तारीफ़ करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम इसको जानते हैं कि वो एक लेंथी स्टोरी होती है और कॉम्प्लेक्स उसका जो है वो प्लॉट स्ट्रक्चर होता है, बड़ा पेचीदा गुत्थम गुत्था हुए होते हैं सारी चीज़ें, और अबंडेंस ऑफ कैरेक्टर्स, भरमार होती है किरदारों की. बाज़ का तो अननेसेसरी कैरेक्टर्स को भी ऐड कर दिया जाता है ताकि उस नावल की डेफिनेशन को पूरा किया जा सके. अच्छा, ऑन दी अदर हैंड हम जब इसको देखते हैं मिस्टर चिप्स के इस नावल को, जो कि एक नावला है, यूँ आप समझ लेंगे कि ये उतना लेंथी नावल नहीं है. ऑफकोर्स इट हैज़ गॉट 18 चैप्टर्स, और इसका जो लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी इसके अंदर आपको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि बाज़ का वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में चला जाता है. यानी प्रेजेंट में बैठे तो पास्ट की बात कर रहा होता है, तो वो थोड़ा सा, लेकिन वो टेंस का जो बेक होगा वो हमें बता देता है. इन्वर्टेड कॉमा जिसको हम कोटेशन मार्क्स कहते हैं उससे भी हमें अंदाज़ा हो जाता है, और प्रेजेंट और पास्ट को मिक्स करके ये चलता हुआ ये नावल है. और ऑफकोर्स इवेंट्स ऑफ द डे, कहने को नावल एक फिक्टिशियस कहानी होती है, मन घड़त कहानी होती है, ठीक है. इट कम्स फ्रॉम द डीप कोर ऑफ अ राइटर्स माइंड, वहाँ से वो उसको लिखता है. लेकिन इसके अंदर जो इवेंट्स हैं वो रियल हैं, वो रियलिटी पर बेस करते हैं. ये सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता इस इंट्रोडक्शन में ज़रूर जानेंगे, ठीक है. इंस्पिरेशन, जेम्स हिल्टन जो कि इसके राइटर हैं, इंस्पायर क्यों हुए इसको लिखने पर, ठीक है. The setting of Goodbye Mr. Chips is probably based on the Leys School, जिसमें ये पढ़ता था, ठीक है, कैम्ब्रिज, where James Hilton was a pupil, ठीक है जी. यहाँ ये खुद जो इसका राइटर है, जेम्स हिल्टन कौन है, वो इस नावला का राइटर है, प्ले राइटर कहने के नावल राइटर, ठीक है. अ प्यूपिल 1915 to 18, यानी कि ये वर्षा था जब ये यहाँ पर पढ़ने के लिए गए. हिल्टन इज रिपोर्टेड टू हैव सेड दैट द इंस्पिरेशन फॉर द प्रोटागनिस्ट, प्रोटागनिस्ट कहते हैं हीरो को, ठीक है, ये लिटरेरी वर्ड है. हम तो हीरो कॉमन लाइफ में यूज़ करते हैं ना, प्रोटागनिस्ट जो है ये एक लिटरेरी वर्ड है, अदब में इस्तेमाल होता है, मीन्स दैट स्टैंड्स फॉर अ हीरो, ठीक है. मिस्टर चिप्स इसका नाम केम फ्रॉम मैनी सोर्सेज, यानी अब इसके ऊपर बहुत सी कंजेक्चर्स हैं कि आखिर मिस्टर चिप्स का नाम रखने की जरूरत क्यों पड़ी, इंक्लूडिंग हिज फादर हु वॉज द हेड मास्टर ऑफ चैपल एंड स्कूल. इट मीन्स ही वॉज हिमसेल्फ
सन ऑफ अ टीचर, ठीक है, वो उसके वाले जो थे वो हेडमास्टर थे चैपल एंड स्कूल के। अब कई कहानियाँ वो कहते हैं कि जो हीरो है इस कहानी का मिस्टर चिप्स, इंस्पायर वो किन से हुआ, खुद वो दलेज में भी था, ठीक है, दलेज स्कूल में, फादर इनके हेडमास्टर थे चैपल एंड स्कूल में, तो कई कंजक्शंस हैं उसके बारे में। कोई कहता है कि फादर को देख के वो इंस्पायर्ड हुआ, और कुछ क्या कहते हैं वो भी हम पढ़ेंगे कि मिस्टर चिप्स इज ऑल्सो लाइकली टू हैव बीन बेस्ड ऑन डब्ल्यू एच बेलगर्नी, ठीक है, कि वो कहता है एक तरफ तो हम एक तो आइडिया ये है, एक गेस तो ये है कि इसमें जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था जेम्स हिल्टन के लिए वो उसके अपने फादर थे, ठीक है, चैपरन स्कूल के जो हेडमास्टर थे। दूसरा सोर्स वो डब्ल्यू एच बेलगर्नी नामी टीचर थे जो द लेस स्कूल में पढ़ाते थे, अब मास्टर एट द लेस, और इनका जो दौर था वो 1900 से 30 तक के था, ठीक है। इसको यानी कि ये भी एक सोर्स हमें बताया जाता है कि ये भी शायद उनके लिए इंस्पिरेशन का बायस बने थे जेम्स हिल्टन के लिए, हु वॉज इन चार्ज ऑफ द लेस फोर्ट नाइटली। देखिए ना, ये लेस फोर्ट नाइटली जो वहाँ का एक क्या था मैगजीन था जो हर दो हफ्ते बाद वो पब्लिश होता था, उसके ये इंचार्ज भी थे, विच हिल्टन्स फर्स्ट शॉर्ट स्टोरीज एंड एसेस वर पब्लिश, कि जिसके अंदर हिल्टन की लिखी हुई शॉर्ट स्टोरीज जो उसके अफसाने वगैरह थे और साथ ही जो एसेस जो थे वो भी उनको पब्लिश किया गया। ओवर द ईयर्स ओल्ड बॉयज रोड टू जेफरी हाउटन अ मास्टर एट द लेस एंड अ हिस्टोरियन ऑफ द स्कूल कन्फर्मिंग द लिंक्स बिटवीन चिपिंग कंप्लीट नेम ऑफ मिस्टर चिप्स ओके एंड बेलगर्नी हु इवेंचुअली डाइड एट पोर्ट ये है पोर्टमैडोक एट द एज ऑफ 82, ठीक है। बेलगर्नी हैड बीन लिंक्ड विद द स्कूल फॉर 51 ईयर्स एंड स्पेंट हिज लास्ट ईयर्स इन मॉडेस्ट लॉजिंग्स नियर बाय, यानी कि वो कहते कई वाक्यात मिलते हैं कि शुरू में जो कंजेक्चर चला कि वो फादर से इंस्पायर थे या बाद में मिस्टर डब्ल्यू एच बेलगर्नी से, तो कहते हैं बाद में जो राइटर्स थे हिस्ट्री लिखने वाले उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया कि इट वॉज डब्ल्यू एच बेलगर्नी मोर देन दैट हिज ओन फादर, कि उन्होंने जो है उनको अपने वालिद के बजाय मिस्टर डब्ल्यू एच बेलगर्नी, क्योंकि एक टीचर प्लस एक उनका आपस में प्रोफेशनल ताल्लुक बन गया, क्योंकि वो फोर्ट नाइटली के जो उनका मैगजीन था लेस फोर्ट नाइटली उसके वो चूँकि एडिटर थे उसके वो इंचार्ज भी थे, तो इन्होंने काम लिखना और उनके पास लेके जाना, तो ये भी उनके आपस में एक क्लोज आने का एक रास्ता था, और इसी चीज़ पे बाद में बात है, और बहुत सी बातें इस चीज़ पे है, जिस तरह कि आप देखें ना कि इवेंचुअली डाइड एट पोर्टमैडोक एट द एज ऑफ 82, अगर डब्ल्यू एच बेलगर्नी जो है वो 82 ईयर्स की डेथ हुई, तो हम जब मिस्टर चिप्स का दौरानिया देखते हैं तो वो भी लगभग को 85 ईयर्स की उम्र तक जा रहा है, दैट ऑब्वियसली सूट्स बेस्ट टू दिस पर्सन टू बी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर जॉटिंग डाउन दिस नॉवल, ठीक है। एज भी 51 ईयर्स एंड स्पेंट इज लास्ट ईयर्स इन मॉडेस्ट लॉजिंग, बड़ी एक अच्छी किस्म की उसकी रिहाइश थी और जहाँ वो रहते थे। लाइक मिस्टर चिप्स बेलगर्नी वॉज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, वो भी तंजीम के बड़े सख्त उस पर अमल दरामद करवाते थे, बट वुड ऑल्सो इन्वाइट बॉयज टू विजिट हिम फॉर टी एंड बिस्किट्स। ये एक बहुत एक अहम ट्रेट है जो मिस्टर चिप्स के इस नावल में पढ़ेंगे कि ये उसकी हैबिट बनी हुई थी, जैसे ही कोई नए बच्चों का दाखिला होता तो वो उनको अपने यहाँ चाय पर इन्वाइट किया करता था। अब देखिए ये सारी बातें जो है वो मिस्टर डब्ल्यू एच बेलगर्नी की तरफ इशारा करते हैं, तो हम यहाँ ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डब्ल्यू एच बेलगर्नी अ टीचर एट द ले स्कूल एक्चुअली वॉज अ सोर्स ऑफ रियल इंस्पिरेशन फॉर जेम्स हिल्टन टू पेन डाउन दिस नावल, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये बात हम चलते हैं आगे, अब हम इसकी समरी की तरफ चलेंगे। मैं पहले बता चुका कि नावल और नावला का क्या फ़र्क होता है। आप नावला को कह सकते हैं कि ये एक शॉर्ट नावल कह लें, या अगर इसको आसान नज़र में समझा जाए तो एक लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी होती है। शॉर्ट स्टोरी ऑब्वियसली ज़्यादा लेंथी तो नहीं होती ना, आपने पढ़ा बटन बटन को, हाँ, क्लेयर द स्काई, छोटी छोटी कहानियाँ ये सारी की सारी, तो हम इसे यूँ कहते हैं कि लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी है, कि उतनी ज़्यादा छोटी भी नहीं होती शॉर्ट स्टोरी की जैसे, लेकिन उतनी लेंथ भी नहीं होती जितना कि एक नावल की होती है, ठीक है। The novel tells the story of a beloved school teacher. ठीक है बेटे, वो एक बड़ा इनफैक्ट इसको हम हाँ बिलव्ड स्कूल टीचर थे वो जी, बड़े महबूब और बहुत ही पसंदीदा उस्ताद मिस्टर चिपिंग एंड हिज लॉन्ग टेन्योर, जो उनका पीरियड था एट ब्रूकफील्ड स्कूल, जो उन्होंने यहाँ ब्रूकफील्ड में गुजारा, अ फिक्शनल माइनर ब्रिटिश बॉयज पब्लिक बोर्डिंग स्कूल। फिक्शनल का मतलब है मनगढ़ंत, इट डिड नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी,
अगर चाहिए अब ब्रूकफील्ड को पढ़ के बहुत से उधर हो ना हो, हमारे यहाँ तो कम से कम बहुत से स्कूल्स बन चुके हैं इस नाम से। ये एक फिक्शनल नाम था, ठीक है, इट डिड नॉट रियली एग्जिस्ट इन रियलिटी। तो वो एक माइनर सा एक ब्रिटिश बॉयज पब्लिक बोर्डिंग का मतलब क्या, अकामत, अकामती इदारा। अकामती इदारा किसे कहते हैं कि विद इन स्कूल ही जो है बच्चों के लिए रिहाइशगाह का इंतज़ाम हो, उनके लिए हॉस्टलाइज होने का इंतज़ाम हो, बच्चे वहीं पे यानी कि स्कूल में पढ़ते थे और स्कूल में उनके रहने के लिए हॉस्टल भी बना हुआ था, इसको कहते हैं बोर्डिंग स्कूल, ठीक है। और अकामती इदारा को आपको रिहाइश भी साथ साथ फराहम करता है। लोकेटेड इन अ फिक्शनल विलेज, गाँव का नाम जिसमें इस्तेमाल हुआ है वो भी फिक्शनल है, रियलिटी में नहीं है। और ब्रूकफील्ड इन द फिनलैंड, ओके ठीक है जी, इन द फिनलैंड फिनलैंड किसे कहते हैं, दलदली इलाका, यानी कि उसके जो इर्द गिर्द का सारी उसकी विसिनिटी थी, कुरुप जवार का सारा इलाका जो है वो फिनलैंड था, मीन्स मार्शी था, MARSHY, मार्शी किसे कहते हैं जी, वो सारा का सारा क्या था, दलदली इलाका था। मिस्टर चिप्स एज द बॉयज कॉल हिम, लड़के उसको मिस्टर चिप्स क्या के पुकारते, इज कन्वेंशनल, एक रिवायती पसंद, रिवायत पसंद शख्स है, इन हिज बिलीव्स अपने अकायद में ऑर्थोडॉक्स है, ऑर्थोडॉक्स कहते हैं पुराने ख्यालात का मालिक, ठीक है। और ये बहस भी होगी बगैर मियाँ बीवी में जब हम पढ़ेंगे। एंड एक्सरसाइजेस फर्म डिसिप्लिन, और सख्त तरीन तंजीम का वो मालिक शख्स है, ये हम पहले जान चुके, लाइक WH बैलगनी इन द क्लास रूम, His views broaden, बहरहाल उसके जो नज़रियात हैं, उसके जो ख्यालात हैं उनमें वसत आती है। एंड his pedagogical manner, जो उसका पढ़ाने का जो अंदाज था, तदरीसी अंदाज जो है, loosens after he marries Catherine, वो लूज हो जाता है, थोड़ा सा उसमें ढील आ जाती है। बहुत स्ट्रिक्ट टीचर था डिसिप्लिन के मामले में, हालांकि बच्चों के साथ गपशप भी करता था, इवन हमने देखा कि उसको चाय पे भी उनको बुलाता था, लेकिन जहाँ तक डिसिप्लिन का मामला था वहाँ पे वो किसी को फिर स्पेयर नहीं करता था। इसमें भी तब्दीली आई कि जब उसने कैथरीन ब्रिजिस नाम ये लड़की से शादी की, मैं तो लड़की कहूँगा, 25 साल की उम्र थी, ठीक है, वो थोड़ा लूज हो गया, फिर वो थोड़ा सा यूँ समझे कि काइंड हो गया, लेस रिजिड हो गया, सख्ती उसमें ज़रा कम हो गई। अ यंग वुमन, चले जी उन्होंने खुद ही वुमन कह दिया, आप तो मेरे ख्याल में आपको इतराज़ नहीं होना चाहिए, अ यंग वुमन हुम ही मीट्स ऑन हॉलीडे इन द लेक डिस्ट्रिक्ट, ये इलाका है बरतानिया में, वहाँ पे ये सैर करने के लिए गया हुआ था और वहाँ पे इसकी मुलाकात उससे बाई चांस हो जाती है। कैथरीन चार्म्स द ब्रूकफील्ड टीचर्स एंड हेड मास्टर, वो आती और सबको अपने हुस्न में, वो अपनी अखलाक में, अपनी आदात का उनको गर्विदा बना लेती है, चाहे वो ब्रूकफील्ड के टीचर्स थे और चाहे वहाँ का हेडमास्टर था। एंड क्विकली विंस द फेवर ऑफ ब्रूकफील्ड्स पीपल्स, यहाँ तक कि वो वहाँ के जो शागिर्द होते हैं उनकी भी वो फेवर को विन कर लेती है, उनकी भी वो हिमायत को, उनके भी दिलों को वो जीत लेती है, महज अपने एटीट्यूड, अपने बिहेवियर की वजह से, ठीक है जी। अच्छा, डिस्पाइट चिपिंग्स मीडियोकर एवरेज, औसत दर्जे की इसकी जो क्रीडेंशियल से इसकी जो डिग्री थी, जो उसकी सनत थी, वो उसने भी वही क्लासिक्स में ले रखी थी, जो लड़ाई आपने फर्स्ट हीरो में पढ़ी है, इसमें हाँ फर्स्ट हीरो था ना, विंस्टन चर्चिल के बारे में हम जो पढ़ा, क्या था जी, फर्स्ट ईयर एट हैरो, उसमें जैसा वो ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज की बात करता हुआ नज़र आता है कि पहले बड़े उसको वो मैग्निफिको उसकी वो लैंग्वेज थी, बाद में पता लगा कि इंग्लिश ने जैसा तरक्की की तो उन्हीं लोगों को दोबारा इंग्लिश की तरफ सीखना पड़ गया। इसी तरह का ही कुछ मामला यहाँ पे था, ये भी ग्रीक और लैटिन जुबानों का टीचर था, उन्हीं को पढ़ा, क्लासिक्स को पढ़ाता था, ठीक है। एंड हिज व्यू दैट ग्रीक एंड लैटिन, ठीक है, हिज एकेडेमिक सब्जेक्ट्स, जो मैंने अभी आपको बात बताई, आर डेड लैंग्वेजेस, He is an effective teacher who becomes highly regarded by students and the school's governors. जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स था वो भी तमाम का, अगरचे कि वो ज़ुबानें नई मजीद कोई लोग बोल रहे थे लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता डाई ख़त्म भी हो रही थी, आर्काइक हो रही थी, तो फिर भी उसके बावजूद अपने पढ़ाने के अंदाज़ की वजह से वो लड़कों और यहाँ तक कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भी यकसा मकबूल था। इन हिज लेटर ईयर्स, उसके बाद में आने वाले जो साल थे, ही डिवेलप्स एन आर्च सेंस ऑफ ह्यूमर, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ह्यूमर, बड़ा उसका जो मजाक करने की जो हिस थी वो उसकी बड़ी शानदार थी, दैट प्लीजिज एवरीवन, जिससे हर शख्स जो वो खुश होता था, ठीक है जी। ये हमने इस बारे में पढ़ लिया, एक शॉर्ट सी समरी थी ओवरऑल। और उसके बाद क्या है जी, ओल्दो, थोड़ा सा किताब के बारे में तब से हम देख लेते हैं, ओल्दो द बुक इज अनअबैशियटली सेंटिमेंटल, जज्बात से भरी हुई है, ठीक है, It depicts the sweeping social changes that Chips experiences throughout his life. साथ साथ ये बयान करती है उन तब्दील होती हुई
समाजी रिवायात को, जिसका सामना जो है चिप्स को करना पड़ता है पूरी अपनी ज़िंदगी में। मैंने आपको कहा कि ही वॉज ऑर्थोडॉक्स, ही वॉज अ मैन ऑफ ऑब्वियसली टेकिंग एंड ऑब्वियसली बिलीविंग द ओल्ड ट्रेड्स एंड कैरेक्टर्स, पुराने ख्याल का, पुराने रस्म रिवाज का मालिक। जब कैप्सिन से शादी होती है, शी वॉज अ रेडिकल वुमन, वो बिल्कुल नए ख्याल की मालिक थी। तो ये सारी तब्दीलियाँ चिप्स है, और ये टाइम अगेन अपने उस बुक में उसका इजहार भी करता है। अगर आप, मैं ये बता दूँ इस लेवल पर आके, इसको अगर मार्क्स से हट के अगर समझने की कोशिश करें कि सिर्फ मार्क्स की दौड़ है, मार्क्स चाहिए हमें, बोरिंग है, यूँ कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर आप वाकई इसके सेंटीमेंट्स को देखें, इस लिहाज से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल फिक्शन है, उसके जहन की बात है, उसकी फीलिंग्स की बात है। यानी नॉवला तो है ही है, लेकिन कुछ कहते हैं कि ये ऐसा एक इनर पार्ट बयान कर रहा है उसके माइंड का, कि हम इसको कहते हैं इट्स अ साइकोलॉजिकल ऑब्वियसली स्टोरी ऑफ अ पर्सन, फिक्शन है, ठीक है। He begins his tenure at Brookfield in September 1870 at the age of 22. In fact, 21 age, हम इसको 28, हाँ ठीक है 1848 में, ठीक है 22, as the Franco-Prussian War. ये देखें, अब जो मैंने आपको पहले जिक्र किया कि कहने को ये fictitious कहानी, fictitious character, fictitious place, लेकिन events of the day जो हैं वो real हैं। अब फ्रेंको फ्रांस की, प्रशियन जो है ये गांव था जर्मनी का, प्रशा, ठीक है, जर्मन्स को कहते हैं, यानी फ्रेंको जर्मन वॉर। इसका जिक्र हम इंशाल्लाह जब अपने बाकी हीरोज़ को पढ़ेंगे उसमें भी इनका तस्करा आएगा, और 1870 जो यहाँ पे ईयर, इसका तस्करा भी वहाँ पे आएगा, और आप देखेंगे कि बिल्कुल रियल बेस्ड ये सारी चीज़ें हैं, कि इस वक्त जंग का ज़माना था, वॉर्स ब्रेकिंग आउट। ही डाइज इन नवम्बर 1933, ये 1933, और वहाँ भी जब हमने देखा 1930 तक का जिक्र था डब्ल्यू एच बैलगर्नी के लिए, एट द एज ऑफ 85, लाइक आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, W.H. Balgarny died at the age of 82, shortly after Adolf Hitler's rise to power. के जो Adolf Hitler है बतौर एक dictator के जर्मनी का, ये जो है ये तख्त पर आके बैठा, ठीक है जी। ये ब्रीफ सी इसकी समरी थी जो हमने इसमें पढ़ी है। अब देखिए Adolf Hitler का जिक्र, इवन आप इसमें टाइटैनिक के डूबने का वाक़ा भी पढ़ेंगे, इसको इवन एक बच्चे से मंसूब भी कर दिया जाता है। वर्ल्ड वॉर वन जब शुरू हुई होती है, ये बीच में ठहरा हुआ होता है, सारे के सारे जो इवेंट्स हैं वो रियल हैं, और कहने को कहानी क्या है, वो एक फिक्टिशियस स्टोरी है, ठीक है बेटा जी। आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी, लेकिन अभी कुछ बाकी है, उसे भी हम समझ लेंगे, ठीक है। ये लिख लीजिएगा, सामने भी मौजूद है लेक्चर को, बेशक रिवाइंड करके भी आप इसको लिख सकते हैं। क्रोनोलॉजिकल डेट्स, क्रोनोलॉजी कैसे कहते हैं, तरतीब, तारीखी तरतीब के साथ, यानी जिस जिस तरीके से वो वाक़यात हो रहे हैं उस तरतीब से हम जब उसको लिखते हैं तो वो क्रोनोलॉजी कहलाती है। तारीखें जो इंपॉर्टेंट डेट्स इसमें जो हमें मिस्टर चिप्स के नावल में रही हैं, क्योंकि मुताला पाकिस्तान थोड़ा थोड़ा सा ये लगता है डेट्स के हिसाब से, इसलिए थोड़ा अलहदा ही हैं, इनको आप समझ भी लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा, आपकी उसके लिए मौजूद हैं, इंशाल्लाह आपसे मैं ये शेयर भी कर लूँगा ताकि आपके पास एक अलहदा असाइनमेंट की शक्ल में रह जाए। ये डेट्स हम पढ़ेंगे भी, जब पढ़ाऊँगा तब भी आपको याद करवाता रहूँगा कि देखें ये वो वाक़या है, ये वो वाक़या, कोशिश करेंगे कि ये हमें आसानी से याद भी रहे। पहली है जी 1848, जिससे नॉवल ही स्टार्ट होगा हमारा, कि मिस्टर चिप्स वॉज बॉर्न इन 1848, ठीक है। अच्छा 1869, बड़ा आसान है, 69 में से अगर 48 को आप माइनस करें जो 21 बनते हैं, ये आप साथ लिख लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ इस लेक्चर को सुन के, या अगर अभी भी आप ऑब्वियस रिकॉर्ड पहुँचेगा तो साथ लिख लीजिएगा कि 69 में से अगर आप 48 को माइनस करें तो आपको सामने आएगा 21, यानी इस उसकी उम्र क्या है, क्योंकि इसमें चक्करबाजी थोड़ी इसी तरह की है कि वैन ही वॉज 21, अब 21 में 21 कब था भाई, 69 अगर आपने ये बनाया हुआ होगा तो आपको याद होगा कि वन इट वॉज ईयर 1869, क्योंकि 1840 में वो पैदा हुआ, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन एट द एज ऑफ 21, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है ही स्टार्टेड टीचिंग एट द मेलबरी स्कूल, यहाँ एक तस्करा भी आ गया कि मेलबरी स्कूल में वो पढ़ाता था अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद। अच्छा उसके बाद 1870, आफ्टर अ लैप्स ऑफ वन ईयर ही ज्वाइन ब्रुकफील्ड स्कूल एज अ टीचर, 1870 में, अभी हमने तस्करा भी पढ़ा, और 1870 में जो है उसने आके ब्रुकफील्ड स्कूल को ज्वाइन किया। साथ आप इसके बिल्कुल लिख सकते हैं कि उस वक्त जो प्रिंसिपल थे वो मिस्टर वेदरबी थे, ठीक है। यानी जब 1870 में मिस्टर चिप्स ने आके ब्रुकफील्ड स्कूल को ज्वाइन किया तो उस वक्त जो इनकी मुलाकात हुई और जिसने इनको सिलेक्ट भी किया और इनको जॉब दी वो मिस्टर वेदरबी थे, जो उस वक्त के प्रिंसिपल थे, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर 30 साल तक का ये अरसा, ओके। उसके बाद 1896 जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट डेट आती है कि ही मैरिड कैथरीन ब्रिजेस इन लंदन,
ठीक है, कैथरीन ब्रिजेस जो हैं उनका जो है, जिनके साथ इनकी शादी हुई, हमने पढ़ा कि इत्तफाक या लेक डिस्ट्रिक्ट नामी इलाके में इनकी मुलाकात हुई और लंदन में इनकी शादी 1896 में हुई एट द एज ऑफ 48 ईयर्स। यहाँ वो मिस्टर चिप्स की उम्र बता रहे, देखिए 1848 1896 माइनस करें 48, कितना आसान सा कुलिया है उम्र को याद रखने का। अच्छा यहाँ जो है ये बात जरूर आप नोट कर लें कि कैथरीन ब्रिजेस की जो उम्र थी वो 25 ईयर्स थी, ऑलमोस्ट इक्वल टू मीस ऑब्वियसली डॉटर, तो ऐसा हो जाता था वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो है जब इसकी उम्र 48 बरस थी तो कैथरीन ब्रिजेस की उम्र 25 साल थी, ये आपने लिख लेना है अपने पास। अच्छा 1898 कैथरीन ब्रिजेस डाइड, दो साल बाद ही उसका इंतकाल हुआ, जस्ट आफ्टर टू ईयर्स ऑफ अ मैरिज वाइल गिविंग बर्थ टू अ बेबी, बच्चे की पैदाइश के दौरान, उसको बर्थ के दौरान ही वाइल शी वॉज कंसीविंग, तो उसका ओबियसली इन दैट रूम शी डाइड, वो उसका इंतकाल हो गया दो साल के बाद। 1900 में चिप्स बिकेम सीनियर टीचर एंड रॉल्स्टन अ यंग मैन वॉज अपॉइंटेड एज अ हेड मास्टर। अच्छा यहाँ पे देखिए हमारे पास 1900 ईस्वी की डेट आ रही है, यहाँ अब आपको 1870 का बताऊँ कि 1870 में जब मिस्टर वेदरबी ने मिस्टर चिप्स को सिलेक्ट कर लिया था और उसने गर्मियों की छुट्टियों के बाद ज्वाइन करना था, उन्हीं छुट्टियों में मिस्टर वेदरबी का इंतकाल हो गया, ठीक है जी, उन्हीं छुट्टियों में जो है वो मिस्टर वेदरबी का इंतकाल हो गया, उनकी जगह जो प्रिंसिपल है उनका नाम था मिस्टर मेल्ड्रम, MELDRUM, मिस्टर मेल्ड्रम जो थे, यानी 1870 से 1900 30 साल तक मिस्टर मेल्ड्रम जो है इसके प्रिंसिपल रहे, ये भी आपने नाम लिख लेना है। और 1900 में फिर मिस्टर मेल्ड्रम पे इंतकाल हो गया तो उसकी जगह पे ये मिस्टर रास्टन आए, ठीक है, ये यानी इस लिहाज से हम देखें तो मिस्टर वेदरबी 1870, फिर उसके बाद मिस्टर वेदरबी के साथ वो उनका इंतकाल हुआ तो मिस्टर मेल्ड्रम, और फिर 1900 में रास्टन, तीन प्रिंसिपल के हमारे इस वक्त नाम सामने आ चुके हैं, ठीक है। अ यंग मैन वॉज अपॉइंटेड एज हेड मास्टर, इसकी उम्र जो है वो 37 ईयर्स थी उस वक्त जब इसको हेड मास्टर यहाँ बनाया गया ब्रुकफील्ड स्कूल में, ठीक है जी। 1900 के बाद हमारे पास 1911 चैटर्स बिकेम द न्यू हेड मास्टर, नहीं बनी जी रास्टन की मिस्टर चिप्स के साथ, वहाँ उसको किसी और उससे बड़े स्कूल का उसको ऑफर हुई प्रिंसिपलशिप की, तो वो वहाँ मूव कर गया, तो 1911 में मिस्टर चैटरिस जो हैं ये आके उसके प्रिंसिपल बनते हैं, हेडमास्टर बनते हैं और ब्रुकफील्ड स्कूल, ठीक है जी। 1913 इफ यू जस्ट रिमेंबर सो क्लोजली, ये साल आपको नहीं भूलना चाहिए, मिस्टर चिप्स का जो है ये रिटायरमेंट ईयर था, ठीक है, ही रिटायर्ड इन 1913, एज क्या थी अब आप निकाल लीजिए जनाब, 1913 माइनस 1848 65, ठीक है जी, 65 बरस की उम्र में जो है मिस्टर जो हैं चिप्स उन्होंने रिटायरमेंट ली, लेकिन वजह क्या थी ये देखिए यहाँ, चिप्स फेल सीरियसली इल एंड रिजाइन फ्रॉम सर्विस, बहुत शदीद बीमार हो गया था, ब्रोंकाइटिस का उसको मर्ज था, उनकी आवाज़ भी बीच में है नॉवल में बगैर लिखी हुई है, ठीक है, प्रोनाउंस करेंगे उसको, ठीक है, सर्विस एट द एज ऑफ 65, गॉट इट। अच्छा 1914 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, पहली जंग जो है वो जिसको वर्ल्ड वॉर वन कहते हैं वो स्टार्ट हुई, क्या ये रही 1914 से 1919 तक। अच्छा 1916 में जनाब, अच्छा इसमें आप एक लिख लीजिएगा, इसमें उसको मेंशन नहीं किया, 1912 भी है, 1912 को बीच में आप खुद लिख लीजिएगा, ये वो ईयर था अप्रैल का महीना जिसमें टाइटैनिक जो है वो सेल्ड ऑन हुआ और अपने पहले ही सफ़र में जो है ये एक आइसबर्ग से टकरा के डूब गया था, ठीक है, इसका भी तस्करा उसके अंदर है, आपके नॉवल में बकायदा इवन उसके क्लास में स्टूडेंट होगा उसके साथ वो बैठ के इसका तस्करा भी करेगा, ठीक है, ओके 1916 है जी। चिप्स रीजॉइन द स्कूल ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ चैटरिस, चैटरिस ने कहा जनाब मैं बीमार हूँ, ही वॉज अनमैरिड, वो डायबिटिक था, तो वो कहता है कि भाई मुझसे जो है स्कूल के मामला अकेले नहीं संभाले जा रहे, तुम एक पुराने आदमी हो, तुम इन तमाम पुराने तौर तरीकों को जानते हो, मैं तुमसे कोई ज़्यादा काम नहीं करवाना चाहूँगा, सिर्फ तुम मेरे पास वापस आ जाओ और इसको ज्वाइन कर लो, तो उसमें मिस्टर चैटरिस की रिक्वेस्ट पे 1916 में इसने रीजॉइन किया, रिटायर्ड इन 1913 रीजॉइन इन 1916 आफ्टर द लैप्स ऑफ 3 ईयर्स एंड इन 1917 चैटरिस द हेड मास्टर फेल इल एंड डाइड, 1917 में उसका इंतकाल हुआ, मिस्टर चिप्स बिकेम द हेड मास्टर ऑफ ब्रुकफील्ड, इसको जनाब ओहदा दिया गया, इससे पहले भी दिया गया था, मिस्टर मेल्ड्रम का जब इंतकाल हुआ 1900 में तो रॉल्स्टन की तैनाती से पहले पहले इसको ये ओहदा मिला था, लेकिन इसने कहा था जी आप मेरे इस ओहदे को, मेरे प्रिंसिपलशिप को, मेरी हेडमास्टरशिप को आप परमानेंट ना करें,
मैं तब तक एक एक्टिंग हेडमास्टर के तौर पे काम कर लेता हूँ, लेकिन जैसे ही कोई नया प्रिंसिपल आप इस पर लेके आएंगे तो फिर मैं वहाँ से वापस हट जाऊँगा। लेकिन इस लिहाज से देखा जाए तो फर्स्ट टाइम अगर हम देखें परमानेंट बुनियाद पे चिप्स बिकेम द हेडमास्टर ऑफ ब्रूकफील्ड स्कूल, यही वो चीज़ वो चाहता था। लेकिन देखिए कुछ ऐसा हुआ, बहुत सी बातें हैं, अभी नहीं मैं उसका चांद ख़त्म नहीं करना चाह रहा, जब पढ़ेंगे ना और फिर आपको बताऊँगा मैं, ठीक है। 1918, Chips again fell seriously ill after the end of the First World War. 1919 है यहाँ पे, 1918 दिया हुआ बहरहाल, and resigned. यूँ ज़रूर कह सकते हैं कि मेन जो लड़ाई थी वो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन बिट्स एंड पार्ट्स में, बिट्स एंड पीसीज में ना कुछ जो सेग्रीगेटेड जो पीस थी एरियाज थी वहाँ पे ये फिर भी जारी रही, टोटल जाके ये 1919 में जाके कंक्लूड हुई, ठीक है। Chips again fell seriously ill after the end of the First World War and resigned from service. अब फिर उसको वही ब्रोंकाइटिस का मर्ज़, सर्दियों में खास तौर पर उसके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता था, जिसकी वजह उसको दोबारा जो है देखिए रिज़ाइन किया, उसने इस्तीफ़ा कर दिया, ठीक है जी। 1930 में जनाब चिप्स मेड इज विल, चिप्स ने जनाब अपना वसीयतनामा लिखा जिसमें उसने कुछ जायदाद, इसमें एक नाम मिसेस विकेट का नहीं है, वो बड़ी अहम खास, वो लिनन रूम की, लॉन्ड्री रूम की जो है ना वो इंचार्ज थी, ये उन्हीं के घर रहा करते थे, ठीक है, जिसमें उन्होंने कुछ जो जायदाद है वो मिसेस विकेट के नाम की थी और कुछ जो है उन्होंने स्टाइपेंड के तौर पर ट्रस्ट के हवाले कर दी ब्रूकफील्ड के, ताकि जो गरीब लोगों के बच्चे हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, इस लिहाज से कहा ब्रूकफील्ड जो है वो मीडियोकर गरीबों का स्कूल था, वो उमरा का स्कूल नहीं था। और 1933 मिस्टर चिप्स डाइड रिमेंबरिंग हिज ओल्ड स्टूडेंट्स, ठीक है, ये उनके साथ आखिर में अपने, इस वक्त जब ये 1918 में इन्होंने इस्तीफ़ा दिया, मिस्टर कार्टराइट CARTWRIGHT ये प्रिंसिपल थे उस वक्त, ठीक है। तो वो उस वक्त उनके डेथ बेड पे जब ये मॉरीबर्न थे, क्रिबल मर्ग थे, वो इनके साथ ठहरे हुए थे, ये सवाल पूछते इनके फैमिली डॉक्टर डॉक्टर मैरीवेल से कि इनके कोई बच्चे बाल बच्चे नहीं हैं, वो तो कहता नहीं इसने शादी नहीं की, बैचलर नहीं, शादी हुई थी लेकिन वो कहता कि बीवी का और बच्चे का इंतकाल ऑब्वियसली उस लेबर के दौरान हो गया, जिसके ऊपर वो अफसोस करता है कि बहुत अफसोस की बात है कि इसके कोई बच्चे नहीं थे, जिस पे ये उसको कहता है कि इसकी आँख खुलती है, कहते हैं बच्चे, वो पहले पूछा ये तुम क्या कह रहे थे बच्चों के बारे में, कहते हैं मेरे सैकड़ों बच्चे हैं, कहते हैं ब्रूकफील्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सारे मेरे बच्चे हैं और उन्हीं को ही याद करता हुआ ये जो है इसका इंतकाल होता है। देखिए 1933 लगभग वही जो एज है जो WH पहल करने की थी, ठीक है बेटे। ये टोटल इंस्पिरेशन समरी और साथ जो इवेंट्स ऑफ द डे हैं उसकी जो डेट्स हैं ये मैंने आपसे शेयर कर ली हैं, ये मैं आपसे शेयर भी कर लूँगा मज़ीद ग्रुप के अंदर, इसको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह मिस्टर चिप्स का नॉवल स्टार्ट करेंगे, बुक्स आप ले लीजिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।